अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है वो लाहौर बोर्ड 2019 पार्ट टू ग्रुप फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है कि वाई इज़ इक्वल टू ई की पार्ट टू एक्स देन वाई स्केयर। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर टू एक्स, और फिर पावर जो है उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2, यानी कि 2e की पावर 2x। फिर एक सेकंड डेरिवेटिव लें क्योंकि y 2 उसने पूछा है, तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा और e ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2e ऑफ 2x बन जाएगा, यानी कि 4e ऑफ 2x बन जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। अब देखें तो ई ऑफ एक्स डी एक्स इंटेग्रल, तो ये फार्मूला पहले भी पेपर्स में आ चुका है, तो इसकी जो बीटा ऑप्शन करेक्ट है ए ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज। तो ये चैप्टर 1 में से टाइप्स ऑफ फंक्शन में से क्वेश्चन है, और ये एक लीनियर फंक्शन है ना, जैसे क्योंकि एक्स की पावर 1 है और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा है। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोज एक्स टेन एक्स, ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्यूब आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें जो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ पर ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो चैप्टर 1 में जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्वेश्चन आए क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास कोज एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें लिमिट्स पुट करें 0 से पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट पुट करें तो साइन पाई बाय 2 फिर साइन 0, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है और साइन 0 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन 5 पर आएँ तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की होल पावर एन ओवर 2, तो इसमें 1 ओवर एन का ऊपर ऐसी प्रोकल एन होना चाहिए, तो फिर ये ई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की होल पावर, ये जो एन ओवर 2 है तो एन मैं अंदर ले आऊँ और जो 1 ओवर 2 है उसको मैं बाहर ले जाऊँ, पावर की पावर बना दूँ, तो ये ई के इक्वल आ जाएगा, तो ई की पावर 1/2, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। अब आ जाएँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई इज डिनोटेड बाय, तो ये चैप्टर 3 में से क्वेश्चन है 3.1 में से। तो डिफरेंशियल जो है ना वो सिंपल चेंज इन वेरिएबल होता है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स होता तो हम डी एक्स लिखते, डिफरेंशियल ऑफ वाई पूछ रहा है तो सिंपल ये डी वाई है, डी वाई चेंज इन वेरिएबल, ओके। अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6-7 पे, तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स देन एफ प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू, पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो f प्राइम x इज इक्वल टू माइनस साइन x आ जाएगा। अब आप x की जगह पे पाई पुट कर दें तो f प्राइम पाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई, तो साइन पाई जो है वो ज़ीरो होता है, ओके। तो इसकी वैल्यू जो है इसका आंसर बीटा बनेगा। क्वेश्चन 8 पर आए तो द वैल्यू ऑफ dy वाई ओवर डी एक्स माइनस टू ओवर एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू माइनस वन इज, तो इसको हमने सोल्व नहीं करना, यानी कि आगे इसका इंटेग्रल वगैरह नहीं लेना, सिंपल उसने बोला है कि इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या होगी, तो आप एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर दें तो माइनस टू ओवर माइनस वन आ जाएगा, और टू आंसर है इसका डेल्टा ऑप्शन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 3 ही इंटीग्रेशन का ही ये टॉपिक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम अज़ कम एक डेरिवेटिव हो, यानी कि सच एन इक्वेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डर क्या है,
हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन की वो डिग्री पूछता तो डिग्री इसकी जो है वो 1 आ जानी थी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है और ऑर्डर इसने पूछा है, तो ये बीटा ऑप्शन 2 बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन देखें 10, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस या फार्मूला जो ऑफ डेरिवेटिव जो है, इसमें सम फार्मूला है, प्रोडक्ट फार्मूला है, कोशेंट फार्मूला है, तो उसमें एक सी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी है, तो कांस्टेंट को पहले ले जाएं और सिंपल उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एफ ऑफ एक्स का, तो ये 5 एफ प्राइम एक्स बनेगा। ओके, इसके बाद है जी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स केयर इज इक्वल टू 4ay। तो ये 2019 में ये क्वेश्चन आया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके सामने, इनकी ऑप्शंस गलत दे दी उन्होंने ना, तो इसका ग्रेस मार्क्स मिला होगा डेफिनेटली बच्चों को। बाकी ये ऑप्शंस जो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है, जैसे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पूछा, जो इसने ऑप्शंस पूछी हैं वो फोकस के लिहाज से हैं, तो फोकस इसका जो अगर मैं बताऊँ, जैसे x की इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पर इसका फोकस बनेगा और फोकस जो है वो 0 और a बनेगा, 0 और a अगर वो फोकस पूछता है तो फिर डेल्टा ऑप्शन है फोकस। अब उसने पूछा है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसकी ये है जो कि x इज इक्वल टू माइनस a है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसकी x इज इक्वल टू माइनस a बनेगी। तो पैराबोला के 4 केसेस हैं, उसमें से वो वर्टेक्स भी पूछ सकता है, उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला भी पूछ सकता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी पूछ सकता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पूछ सकता है। तो ये सारी जो टेबल्स बने हुए हैं चैप्टर्स के अंदर, एक्सरसाइज 6.4 से पहले पैराबोला, फिर 6.5 का एलिप्स जो है वो 6.5 से पहले जो टेबल बने हुए हैं, फिर 6.6 से पहले हाइपरबोला के टेबल बने हुए हैं, तो वो टेबल जो है ना वो एक अच्छी तरह पढ़ लें, उसमें से MCQs बनते हैं। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का जीरो आ जाए तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन देखें 13, तो इफ़ M1 एंड M2 आर स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस देन, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स हमेशा इक्वल होती है, अगर वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। ओके, तो जो अल्फा ऑप्शन है वो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए है। अब जैसे क्वेश्चन 14 पे आए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी इज द, तो अब क्योंकि सिर्फ ये लेस देन सी है तो ये हाफ प्लेन है, सिंपल हाफ प्लेन। इनइक्वालिटी के जो भी आप जब बाउंड्री लाइन से उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो प्लेन को हाफ हाफ डिवाइड करता है, तो ये वैसे ओपन हाफ प्लेन होगा। अगर यहाँ पर लेस एंड इक्वल आ जाता, लेस देन एंड इक्वल टू हो जाता, तो फिर ये क्लोज्ड हाफ प्लेन होना था, ये सिर्फ हाफ प्लेन होगा और इसका जो ग्राफ है वो भी डॉटेड लाइन बनता है, कंप्लीट लाइन नहीं बनता। इसके बाद क्वेश्चन 15 पे आए, तो जे क्रॉस के जो है, आपको पता है कि आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे होता है, तो जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 16 देखें, तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स का फार्मूला आपको पता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है, तो 2 + 0/2 करें, फिर 0 + 2/2 करें, तो 1 इसका आंसर बनता है 4। क्वेश्चन 17 पे आए, तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, एलिप्स की 2 इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, सर्कल की 3 इक्वेशन वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स आ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को जो है वो y इज इक्वल टू ax + b से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू
ज़ीरो होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, द फोकी ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो पहले तो मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे ऐसे बनेगा हाइपरबोला का। अब इसका जो फोकी है वो कहाँ पे बनेगा, फोकी होते हैं यहाँ पे F4F prime, यहाँ पे इसके जो है ना वो मेजर एक्सिस है ना, ये वाला मेजर एक्सिस, या बल्कि इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और ये A प्राइम है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस A और ज़ीरो होंगे, और जो फोकी है इसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस C और ज़ीरो होंगे। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली बनती है। इसका जब आप टेबल याद करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, और इसमें से इम्पोर्टेंट आप अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 19 को देखें डियर स्टूडेंट, द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 1551। तो ये टू पॉइंट हैं, तो उस पर आपने स्लोप का फार्मूला लगाना है y2 - y1 over x2 - x1। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो y2 1 है, y1 5 है, x2 5 है और x1 1 है, तो -4/4, तो इसकी स्लोप बनेगी -1, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगी। क्वेश्चन 20 देखें, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि x - h² + y - k² = r² होता है। तो आपको पता है कि h और k जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, और r यहाँ पर रेडियस है, तो 9 जो है वो इसको मैं 3 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, तो रेडियस जो है वो यहाँ से 3 हमें मिल जाएगा, अल्फा ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, ये जो 2019 का ग्रुप वन का पेपर है, ये कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव। तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो इसका ग्रुप 2 की ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा आपके लिए। ओके जी, हाफिज़।